कितने घरों का आपने ठेका लिया है? काफी तकरीबन 30-35 बाग है। अच्छा, 30-35 एक बाग का जो है, आप पूरे बाग का पेमेंट करते हैं या हर दरख्त का पेमेंट करते हैं? नहीं, जैसे आपके ये बाग है इसमें जितने दरख्त है तो उसकी फुल पेमेंट करते हैं। अच्छा, ये कौन सी नस्ल की चेरी है? ये देसी है। देसी जी। जायका किस में होता है? जायका इसी में होता है, दूसरी फ्रांस होती है लेकिन उसकी नस्बत इसका जायका अच्छा होता है। यानी चेरी की जो किस्में हैं, एक फ्रांसीसी हो गई, एक देसी हो गई और एक सफ़ेद है, वो जूस वगैरह में इसे इस्तेमाल होती है। अच्छा, जूस वगैरह। जी जी। ये जूस यहीं पे बनाते हैं या शहरों में लेके जा? शहरों में, ये जो फैसलाबाद में या कराची में जो बनते हैं। अच्छा, यहाँ से आप फैसलाबाद और कराची बेचते हैं? यहाँ से इस्लामाबाद जाती है, फिर इस्लामाबाद से आगे जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है। सही। तो अच्छा, ये जो चेरी को लोग पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा, इसका सीज़न में बहुत डिमांड होता है। अच्छा जी जी। अच्छा, आपको कहाँ की चेरी बहुत मज़े की लगती है? अभी इस वक्त बहुत सी जगहों से चेरी यासीन की तरफ से भी लिया है, नगर खुंजा की तरफ से, लेकिन जो इधर नॉर्मल की चेरी का जायका है ना, उनसे ये डिफरेंट है। अच्छा, सही है, मुख्तलिफ है। अच्छा, अच्छा जायका है। अच्छा, एक तो ये है बाग में चेरी लगाते हैं, वो किस तरह उसका लुक आफ्टर करें, उसका ख्याल रखें, क्या करें तो वो चेरी अच्छी होगी? तो जिन लोगों के पास बाग हैं वो इसकी जितनी ज़्यादा इसकी खिदमत करेंगे, इसको इसकी खाद वगैरह देंगे इसको, और इसके दरख्तों की काट छाट करते रहेंगे, तो उतना ज़्यादा इसका फल ज़्यादा होगा, बेहतर होगा। और ये जो नॉर्मल की जो चेरी है, इसमें ये पानी में इसमें जो है ना पानी ज़्यादा होता है, गजाइत के हवाले से इसमें जो पानी है ना, रस इसमें ज़्यादा होता है। सही सही सही। जो नॉर्मल की चेरी है। सही सही।